हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 डीएवी के साइंस बोर्ड एग्ज़ाम को, जो कि 2018-19 में टर्म वन में बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स को दिया गया था। एक बार दोबारा बता देता हूँ, हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 डीएवी के टर्म वन 2018-19 क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बॉल रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रही है तो कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स उस बॉल के ऊपर लग रहा होगा और उसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। द आंसर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आगे आता है, लिक्विड्स को कंडक्टिव कौन बनाता है। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर तो जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है, लिक्विड्स के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो आयन्स की वजह से आती है। तो आप यहां लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ आयन्स इन द लिक्विड्स मेक देम कंडक्टिंग। आगे आता है, उस मेन केमिकल का नाम बताइए जो मैचस्टिक के ऊपर लगाया जाता है और जो इतनी हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देता है कि मैचस्टिक जलना शुरू कर देती है। यानी जो मैचस्टिक के ऊपर ऐसा सब्सटेंस लगा होता है जो उसको जलने में हेल्प करता है। द आंसर इज रेड फॉस्फोरस। आंसर इसका आएगा रेड फॉस्फोरस। आगे आता है, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू 18,000 किलो जूल पर किलोग्राम है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझाइए। इस स्टेटमेंट का मतलब है, ऑन बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ वुड विल गेट 18,000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे किलो जूल्स की जगह जूल्स आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं और ठीक मिल जाए तो 18,000 जूल्स आएगा यहाँ पे, लेकिन जो हमें लिख रखा है हमें उसका आंसर बताना है। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ऑन कंप्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ वुड वी शैल बी सप्लाइड विद 18,000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। हाउ डू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये आपने लेसन में सुना होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो इसका रीजन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन को यानी O3 को O2 में चेंज कर देते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स चेंज O3 इंटू O2, ओजोन इंटू ऑक्सीजन। आगे आता है, मैन्योर्स का क्या एडवांटेज है फर्टिलाइजर्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स कई एडवांटेजेस होते हैं। पहली बात तो वाटर पोल्यूशन होता है फर्टिलाइजर्स की वजह से, मैन्योर्स की वजह से नहीं होता। दूसरी बात, मैन्योर्स फर्टिलिटी, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐसा कुछ नहीं करते। मैन्योर्स सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐसा नहीं कर पाते। दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताओ जो लार्ज स्केल स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स करती है, ग्रेन्स को स्टोर करती है। तो इसका एक आंसर तो आएगा स्टूडेंट्स FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा आंसर आएगा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ये दो एजेंसीज हैं जो हमारे लिए अनाज को स्टोर करके रखती हैं। बच्चों की दो बीमारियां जो वैक्सीनेशन से रोकी जा सकती हैं, उन दो बीमारियों के नाम हैं ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मम्स, टेटनस, मीजल्स भी होता है एक, तो इसमें से आप कोई भी दो आंसर लिख सकते हैं। आगे आता है स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन, दो टीम्स हैं ए और बी, वो टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। टग ऑफ वॉर आपको पता होगा रस्सा कसी होती है, एक टीम एक रस्सी को इस तरफ से खींचती है और एक टीम रस्सी को इस तरफ से खींचती है। तो ए टीम एफ फोर्स लगा रही है, बी टीम 2F फोर्स लगा रही है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे बताइए कि कौन सी टीम जीतेगी। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, वही टीम जीतेगी जो ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी, सीधी सी बात है। तो 2F फोर्स लगाने वाली टीम यानी कि बी टीम इस गेम में जीतेगी, टीम बी विल विन द गेम बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ग्रेटर। ये आंसर आएगा इसका। आगे आता है, एक बॉल है जिसका मास एम है, उसको एक लकड़ी के इंक्लाइंड प्लेन पे से रोल डाउन यानी नीचे की तरफ रोल किया गया है एक हाइट एच से, इंक्लाइंड प्लेन के फुट पे यानी नीचे पहुंचने के बाद वो एस डिस्टेंस कवर करती है। तो एस डिस्टेंस को अगर आपको कम करना है तो आप क्या सजेशन कर देंगे और क्यों। ये क्या कह रहा है, देखो एक इस तरीके का वुडन प्लेन था, उसके ऊपर से एक बॉल ऐसे नीचे की तरफ जाती है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्लास शीट लगाई हुई है, ग्लास की शीट है, यहाँ पे बॉल पहुँचने के बाद फिर आगे बढ़ती है और यहाँ तक पहुँच जाती है। इस डिस्टेंस को बताया गया है एस, इस डिस्टेंस को एस कहा गया है। इसने कहा है कि प्लेन ग्लास शीट पे ऐसा क्या चेंज करें हम कि ये जो एस डिस्टेंस है ये कम हो जाए, इसका क्या आंसर आप देंगे। तो आंसर आएगा, ग्लास शीट की जगह कोई रफ शीट रख दीजिए,
तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा और डिस्टेंस एस कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा बॉल उतनी ही जल्दी रुक जाने वाली है। 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आदित्य और उसकी सिस्टर रिया कैरम बोर्ड खेल रही हैं, स्ट्राइकर मूव नहीं कर पा रहा है बोर्ड पे अच्छे से, तो उनको क्या करना चाहिए और क्यों? उनको टेलकम पाउडर छिड़क देना चाहिए, स्प्रिंकल कर देना चाहिए अपने बोर्ड पे, कैरम बोर्ड पे, इससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा स्ट्राइकर और बोर्ड के बीच में, और स्ट्राइकर आसानी से मूव करेगा सरफेस के ऊपर। तो इसका आंसर आएगा दैट दे शुड अप्लाई या दे शुड स्प्रिंकल टेलकम पाउडर ऑन देयर कैरम बोर्ड, दिस विल डिक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्राइकर एंड बोर्ड एंड स्ट्राइकर विल स्टार्ट मूविंग ईजिली। आगे आता है स्टूडेंट्स, इन सब के लिए एक वर्ड देना है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक ऑफन डीप बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, सर्फेस ऑफ अर्थ के बिल्कुल डीप जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? द आंसर इज फोकस। ठीक है, अर्थ की सर्फेस के ऊपर कहा जाता तो एपिसेंटर हो जाता, अंदर कहा गया है तो फोकस होगा। जो अर्थक्वेक ओशन फ्लोर के नीचे होता है उस अर्थक्वेक को क्या कहा जाता है? उस अर्थक्वेक की वजह से क्या आती है? द आंसर इज सुनामी। सुनामी आती है उस अर्थक्वेक की वजह से। आगे अगला पार्ट है स्टूडेंट्स आपका सी पार्ट में क्या बताया गया है? अर्थ की सरफेस के ऊपर वाला पॉइंट जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है, देखो मान लो यहाँ पे अर्थ के अंदर से यहाँ पे ये फोकस है, यहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ है तो ये अर्थ की सरफेस है मान लो, तो फोकस के बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर। इंस्ट्रूमेंट जो कि साइस्मिक वेव्स के सोर्स का पता लगाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? आंसर इज सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर कहा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को। यहाँ पे आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे आता है स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन, ए पार्ट है कार्बनाइजेशन क्या मतलब होता है और रिन्यूएबल, बी पार्ट में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का हमें एग्जाम्पल बताना है। तो 13th क्वेश्चन का आंसर है डेड प्लांट्स को कोल में चेंज करने की प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब लाखों साल पहले पाए जाने वाले प्लांट्स अर्थ के नीचे डीप दब गए थे तो एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस में वो कोयले में यानी कोल में चेंज हो गए थे, इसी कोयले में चेंज होने की प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। आगे आता है कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जाम्पल, विंड, सन, बायोमास और हाइड्रो पावर। नॉन रिन्यूएबल की एग्जाम्पल है कोल एंड पेट्रोलियम। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। आगे आता है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है फोर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताने हैं जो कन्वेंशनल सोर्सेज को रिप्लेस कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो चार अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होंगे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे सी वेव्स एनर्जी लिखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में हाइड्रो पावर को कन्वेंशनल एनर्जी माना गया है। आपकी जो डीएवी क्लास की स्कूल की जो बुक्स हैं उनमें शायद हाइड्रो पावर को नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है, लेकिन बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी बुक्स भी हैं जहाँ हाइड्रो पावर को कन्वेंशनल एनर्जी में काउंट किया जाता है आजकल। तो आप यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ आप यहाँ पे टाइडल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, सी वेव्स एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं या जियो थर्मल एनर्जी भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपको कंपेयर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। तो डिफरेंसेस क्या क्या है देखिए, पहली बात तो टाइम पीरियड, रबी क्रॉप्स को नवंबर में उगा के अप्रैल में काटा जाता है, खरीफ को जून में उगा के अक्टूबर में काटा जाता है। रबी विंटर सीजन क्रॉप्स हैं जबकि खरीफ रेनी सीजन क्रॉप्स हैं। रबी के एग्जांपल्स हैं वीट और मस्टर्ड और खरीफ के एग्जांपल्स हैं पैडी एंड मेज। ठीक है स्टूडेंट्स, 16th क्वेश्चन में क्या गया है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उन एनिमल्स और प्लांट्स की लिस्ट बनाते हैं जो थ्रेटन्ड है, एंडेंजर्ड है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और किस फॉर्मेट में वो लिस्ट पब्लिश की जाती है? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टूडेंट्स IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और जिस बुक में वो पब्लिश करते हैं उस बुक का नाम है रेड डेटा बुक। 17th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एंडेमिक स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के चार कारण बताइए। एंडेमिक स्पीसीज होती हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक इलाके में ही पाई जाती हैं, बाकी वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती। तो पहला रीजन तो है लॉस ऑफ हैबिटेट, उनका जो रहने की जगह है उसको खत्म किया जा रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ह्यूमंस। इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, कई बार ह्यूमंस क्या करते हैं नई स्पीसीज का को बढ़ावा देने के लिए उनको नई जगह पे ले आते हैं
और वो स्पीसीज, वो नई स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज को, वहाँ की लोकल स्पीसीज को कंपटीशन देना शुरू कर देते हैं और वो वहाँ की लोकल स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज खत्म होना शुरू हो जाती हैं। डिस्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स डाल देती है सरकार। पोल्यूशन जो हो रहा है एयर और वाटर का, ये भी रीज़न होते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज के। आगे 18th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, साहिल 50 किलोग्राम बॉक्स को पुल करने की कोशिश कर रहा है एक स्मूथ सरफेस पे, लेकिन मूव नहीं करवा पा रहा। फिर उसने उस बॉक्स को सिलेंड्रिकल रोड्स पे, सिलेंड्रिकल रोड्स का मतलब इस तरह के पहियों से पे रख दिया उसने, सिलेंड्रिकल रोड्स पे रख दिया और अब वो कंफर्टेबली चला पा रहा है। तो दोनों फ्रिक्शंस के नाम बताइए जो दोनों केसेस में काम कर रहे हैं। फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स, जब वो बिना सिलेंड्रिकल रोड्स के मूव करवा रहा था तब था स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब उसने सिलेंड्रिकल रोड्स का यूज़ कर लिया तो उसने बना दिया रोलिंग फ्रिक्शन। सेकेंड केस में बॉक्स आसानी से इसलिए मूव कर पाता है बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज व्हाई ही इज इजिली एबल टू मूव द बॉक्स। इसी का और पार्ट है, एक सॉलिड और एक लिक्विड ल्यूब्रिकेंट का नाम बताएं, ठीक है। इसी का बी पार्ट है, सुमित के फादर ऑफिस जाते हुए अपनी बाइक के वोन आउट टायर्स को नोटिस करते हैं, ठीक है। एडवाइज हिम टू रिप्लेस द ओल्ड टायर्स विद न्यू वंस, और ऐसा एडवाइस करते हैं सुमित को कि तुम्हें ओल्ड टायर्स को बदल के न्यू टायर्स लगाने चाहिए जल्दी से जल्दी। सुमित के फादर ने टायर बदलने की सलाह क्यों दी? तो इसमें सॉलिड और लिक्विड ल्यूब्रिकेंट का नाम क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए सॉलिड ल्यूब्रिकेंट तो आता है टेलकम पाउडर या फिर ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, और लिक्विड में आएगा ऑयल, ठीक है, ऑयल ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पे आ सकता है। आगे आता है, नए टायर्स के पास ट्रीड्स और ग्रूव्स होते हैं जो रोड के ऊपर ग्रिप बढ़ाते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाते हैं, जिससे बाइक को कंट्रोल करना आसान हो जाता है रोड पे। पुराने टायर्स हमने देखा कि वो प्लेन हो गए हैं, वो स्किड हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, बाइक गिर सकती है, बाइक पे उतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता है। आगे स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन में है, 3 प्रोमिनेंट इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? पहला चेंज तो मेटल डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। दूसरा, गैस बबल्स निकलते हैं इलेक्ट्रोड्स के पास। तीसरा, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है क्योंकि अलग अलग आयंस उसके अंदर डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। ये 3 इफेक्ट्स हम जो एक्सपीरियंस करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताइए। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन का, रिक्टर स्केल, जो कि चार्ल्स एफ रिक्टर नाम के एक शख्स ने बनाया था रिक्टर स्केल। ये स्केल सिंपल लीनियर स्केल नहीं है। अगर मान लीजिए, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक भूकंप की वैल्यू 3 है रिक्टर स्केल पे और दूसरे भूकंप की वैल्यू 4 है, तो 4 वाला जो भूकंप है वो 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा 3 के मुकाबले। 5 मैग्नीट्यूड वाला जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, वो 3 के मुकाबले 100 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ये लीनियर स्केल नहीं है स्टूडेंट्स, रिक्टर स्केल। आगे आता है, एक डायग्राम की हेल्प से पेट्रोलियम की अकरेंस समझाइए, और विजुअली चैलेंज के लिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कैसे मिलता है नेचर में, उसको एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम देते हैं यहाँ पे। ये पेट्रोलियम की अकरेंस का डायग्राम है स्टूडेंट्स, कैसे डायग्राम है देखिए, 2 इम्परवियस रॉक्स के बीच में पाया जाता है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है नेचुरल गैस। आगे आता है आपका विजुअली चैलेंज के जो क्वेश्चन था, पेट्रोलियम 500 से 2000 मीटर की डेप्थ में मिलता है, 2 इम्परवियस रॉक्स के बीच में मिलता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के अंदर अक्सर सॉल्ट वाटर मिक्स मिलता है क्योंकि पेट्रोलियम हल्का होता है तो सॉल्ट वाटर के ऊपर वो तैरता रहता है। आगे स्टूडेंट्स मैच द फॉलोइंग थे इसी के और पार्ट में, तो एविएशन फ्यूल को मैच करेंगे हाईली रिफाइंड पेट्रोल से, वैसलीन को मैच करेंगे पैराफिन वैक्स से, एक्सप्लोजिव को कोल टार से, ड्राई क्लीनिंग को पेट्रोल से, और कोटिंग इलेक्ट्रिक पोल्स को एसाफाल्ट से, और एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल्स को कोर से, कोक से। ये आपका आंसर आएगा 17th क्वेश्चन का। आगे स्टूडेंट्स आता है आपका, ये आपके 21st क्वेश्चन का आंसर था स्टूडेंट्स, और पार्ट भी हमने कर लिया है। आगे हम बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ। इस डायग्राम में देखिए, ये जो है ना एक एक्टिविटी है 22nd क्वेश्चन में, आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है ये। इस डायग्राम में कागज़ को जलाने पे उसके बीच में एक काले रंग का गोल चक्कर बन जाता है, ठीक है, ये गोल चक्कर इसने ये एक्टिविटी करी है।
उस फ्लेम के जोन का नाम बताओ जिसमें ग्लास स्लाइड को पकड़ा गया था। ग्लास स्लाइड के ऊपर एक काला निशान आ जाता है बीच में। दो ऑब्जर्वेशंस बताओ इस अबाव एक्टिविटी की और वो हुई क्यों, उसका रीजन भी बताओ। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या आंसर आएगा, मिडल जोन में ल्यूमिनस जोन में रखी गई है हमारी, ग्रे कलर की ब्लैक रिंग ग्लास स्लाइड के ऊपर बन जाएगी क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ग्लास के ऊपर जमा हो रहे हैं। ठीक है, अब जो कार्बन पार्टिकल्स होंगे ना स्टूडेंट्स, देखिए गोल जो चक्कर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे तो काला हो जाएगा लेकिन बीच में इस जगह पे काला नहीं होगा, यहाँ पे काला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ने टच किया था यहाँ पे, जिसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, और साइडों में यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लेम ने टच किया था जिसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होने की वजह से सरफेस काली हो जाती है। इसी का अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, जोन्स के फ्लेम के तीन जोन्स के नाम बताइए और हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताइए। 23rd क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्मोक और कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं, तीन जोन्स हैं, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन सबसे ठंडा होता है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स पाए जाते हैं। मिडिल जोन ल्यूमिनस होता है और लास्ट जोन नॉन ल्यूमिनस होता है। मिडिल जोन येलो कलर का होता है, इनर मोस्ट जोन ब्लैक कलर का होता है, आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर का होता है। ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ये डार्क जोन से तो हॉटर होता है लेकिन आउटर मोस्ट जोन से कम गर्म होता है। इसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स पाए जाते हैं मिडिल जोन के अंदर, आउटर मोस्ट जोन के अंदर नहीं पाए जाते। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई भी एक एक पॉइंट लिखना था स्टूडेंट्स आपको, मैंने कई बता दिए। 23rd क्वेश्चन में पहला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में नुकसान होता है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है प्लांट्स की, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमंस में। सेकंड में आएगा लंग्स की बीमारियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, यहाँ पे स्टूडेंट स्पेलिंग मिस्टेक है, कार्बोक्सी आएगा यहाँ पे, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन आता है जिसकी वजह से सफोकेशन की स्पेलिंग में स्टूडेंट SU आएगा शुरू में, सफोकेशन और डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ये लेसन के वक्त मैंने आपको समझाया था। आगे स्टूडेंट्स आपको 24th में एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। पहले तो आपका आंसर है रेबीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, सॉरी स्टूडेंट्स, रेबीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वायरस जो कि डॉग्स और मंकीज में होता है। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली एक डिजीज जो कैटल के अंदर होती है, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स एंथ्रेक्स। आगे आता है रिंगवर्म नाम की डिजीज जो फंगस की वजह से होती है, वो किस में होती है? पोल्ट्री, बर्ड्स में और एनिमल्स में होती है स्टूडेंट्स ये डिजीज। सिट्रस कैंकर नाम की एक डिजीज जो कि लेमन्स में पाई जाती है, ये किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? डी पार्ट का स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा बैक्टीरिया की वजह से होती है ये। आगे आती है एक ऐसी डिजीज जो फंगस की वजह से वीट में होती है, जिसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा रस्ट ऑफ वीट, स्मट ऑफ राइस, राइस के अंदर होता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है फंगस स्टूडेंट्स। लास्ट का आंसर आएगा फंगस एफ पार्ट का। इसमें गैप्स फिल करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आपको अलग तरीके से क्वेश्चन बना के दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के 6 बैड इफेक्ट्स, 6 कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं डिफॉरेस्टेशन के। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन के 6 कॉजेज क्या आ सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, 6 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये देखिए, ड्रॉट, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिवेलर्स का मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की डिस्प्लेसमेंट, ओजोन डिप्लीशन, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, डेजर्टिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, स्केयरसिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, डिसरप्टिव वाटर फ्लो, फ्लडिंग, इसमें से कोई भी 6 लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स इसी का और पार्ट, हमें पेपर वेस्टेज को रोकना चाहिए, कम करना चाहिए, पेपर को रीयूज करना चाहिए, 3 पॉइंट्स से इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कीजिए आप। तो 3 पॉइंट्स आएंगे, पेपर बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, अगर आप पेपर को बचाते हैं तो इससे पेड़ बच सकते हैं, बहुत सारी लकड़ी आप बचा सकते हैं पेपर को बचा के, पोल्यूशन कम कर सकते हैं आप पेपर को बचा के स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही प्यारा आंसर है स्टूडेंट्स ये। आगे आता है स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है अटेम्प्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, एक साइंस क्लब एक्टिविटी पीरियड में राहुल ने एक एम्प्टी टिन कैन में 4 होल्स किए जो कि यहाँ पे ABCD में दिखाए गए हैं, ठीक है, और उनको टेप से कवर कर दिया, फिर टिन कैन में पानी भर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद प्रेशर किस पे कितना ज़्यादा होगा, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स प्रेशर किस पे ज़्यादा होगा,
इसमें आपका आंसर आएगा ए पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, बी में उससे कम, सी में उससे कम, डी से उसमें कम, क्योंकि आपने बुक में पढ़ा है कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ए के ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विड है इसलिए उसके ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, डी के ऊपर सबसे कम है इसलिए उसके अंदर प्रेशर सबसे कम होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें ए पार्ट का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए पार्ट का आंसर देखिए हम देखते हैं, फर्स्ट जो चॉइस है दैट इज द करेक्ट चॉइस। आगे आता है, देखिए ए बी सी डी ने बिल्कुल सही बताया है। आगे आता है स्टूडेंट सेकंड पार्ट, अगर एडहेसिव टेप को पुल कर दिया जाए तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी और क्यों। सी पार्ट है, अगर इसी एक्सपेरिमेंट को वेजिटेबल ऑयल के साथ किया जाए पानी की जगह तो क्या ऑब्जर्वेशन बदलेगी और क्यों बदलेगी। तो स्टूडेंट्स जो सबसे नीचे वाला होल है ए होल, उसमें से पानी सबसे दूर तक गिरेगा, बी होल में उससे कम, सी होल में उससे कम और डी होल वाला पानी सबसे नजदीक गिरेगा, क्योंकि वाटर का प्रेशर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के साथ बढ़ता है। अगर लिक्विड कॉलम ज्यादा हो तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। वेजिटेबल ऑयल की जो स्ट्रीम है स्टूडेंट्स वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी जितना कि वाटर ट्रेवल कर रहा था, क्योंकि प्रेशर लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। वेजिटेबल ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है इसलिए वेजिटेबल ऑयल उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएगा। आगे स्टूडेंट्स इसी का अल्टरनेटिव क्वेश्चन में दिया गया है, प्रेशर को डिफाइन कीजिए। शार्प नाइफ आसानी से क्यों चीज़ों को काट सकता है, ब्लंट नाइफ नहीं काट सकता। एक डाइवर 15 सेंटीमीटर पे ज़्यादा प्रेशर फील करेगा या 1500 सेंटीमीटर पे, रीज़न दीजिए। तो प्रेशर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब आप देखिए शार्प नाइफ सब्जियों को आसानी से काट पाता है क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स कम होता है जिससे प्रेशर बढ़ जाता है और सब्जियां आसानी से कट जाती हैं। आगे आता है डाइवर जो है वो 1500 सेंटीमीटर डेप्थ पे ज़्यादा प्रेशर फील करेगा क्योंकि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, इंक्रीजेज विद हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। आगे 27th क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन दीजिए। एक्सपेरिमेंट्स जो फैराडे और हेनरी ने किए थे उनकी ऑब्जर्वेशंस बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। तो 27th क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स यहां पे आएगा, जिस प्रोसेस के जरिए, जिस फिनोमेनन के जरिए इलेक्ट्रिक करंट को बनाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, उसको कहा जाता है EMI या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो ऑब्जर्वेशंस की थी फैराडे और हेनरी ने वो क्या क्या थी, जब भी रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेट और कॉइल के बीच में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है अगर मैग्नेट और कॉइल रुक जाते हैं तो, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा करंट बनेगा और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट जब कॉइल को की तरफ जाता है तब मैग्नेट को दूर ले जाने से ऑपोजिट होती है, यानी मैग्नेट के जब कॉइल के अंदर करंट तब भी बनेगा जब मैग्नेट को कॉइल के अंदर डालेंगे, करंट तब भी बनेगा जब मैग्नेट को कॉइल के बाहर निकालेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स दोनों करंट्स एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में होंगे, उल्टी डायरेक्शन में होंगे। ये चार ऑब्जर्वेशंस आपकी बुक में भी लिखे गए हैं स्टूडेंट्स। अब इसी का और पार्ट आता है स्टूडेंट्स, इसके और पार्ट में क्या है, राम जो है वो एक स्टील स्पून को इलेक्ट्रोपेट प्लेट करना चाहता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हेल्प से, एक इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, लेकिन सिल्वर के ऊपर स्मूथ और फॉर्म डिपॉजिट करने के लिए वो क्या क्या करे, इसके लिए हमें उसकी हेल्प करनी है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की दो एप्लीकेशंस भी बतानी है। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं 27th का और पार्ट। देखिए पहली बात तो जिस आर्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको कैथोड बनाना पड़ेगा, एनोड प्योर मेटल को बनाना पड़ेगा, यानी सिल्वर के ऊपर जो मेटल आप चढ़ाना चाहते हैं ना, ठीक है, अगर मान सिल्वर को तो आप क्या बनाएंगे यहाँ पे एनोड, और जो स्पून है उसको क्या बनाएंगे कैथोड, और एक एनोड के ऊपर जो मेटल है ना, एनोड के ऊपर जो मेटल है उसका सॉल्ट लेना आपको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशंस ऑब्जेक्ट्स की अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग ला देता है, ऑब्जेक्ट्स का कॉस्ट कम कर देता है, ऑब्जेक्ट्स को ड्यूरेबल बना देता है, ऑब्जेक्ट्स को शाइनी बना देता है, ये सारे इसके आंसर स्टूडेंट्स हो सकते हैं। 28th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस के दो ऐसे कैरेक्टर्स बताइए जिसकी वजह से उसको क्लीन फ्यूल कहा जाता है। चार तरह के कोल्स को परसेंट ऑफ कार्बन के हिसाब से डिफरेंशिएट हमें करना होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, पहली बात तो पॉल्यूटेंट्स कम निकलते हैं,
दूसरी बात एमिशंस, हार्मफुल गैसेस की एमिशन कम होती है। तीसरी बात पार्टिकल्स कम निकलती हैं। कोल के चार टाइप्स में कार्बन की परसेंटेजेस यहाँ दे रखी है स्टूडेंट्स। एंथ्रासाइट जो कि बेस्ट क्वालिटी कोल होता है उसमें 90% कार्बन, बिटुमिनस में 65% कार्बन, लिग्नाइट में 38% कार्बन और पीट के अंदर 30% कार्बन होता है। ये आपका आंसर आएगा 28th क्वेश्चन का। आगे आता है स्टूडेंट्स 28th क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया है। 29th क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोसिव कंबशन में डिफरेंस बताना है और एग्जाम्पल देना है। इनकम्प्लीट कंबशन के दो रिजल्ट्स बताने हैं, ठीक है, ये हमें करना है 29th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। जो कंबशन अपने आप शुरू हो जाती है रूम टेम्परेचर पे, जिसको हम स्टार्ट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन, उसी को स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है। एक्सप्लोसिव कंबशन, जब भी कोई कंबस्टिबल मटेरियल बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी हीट, लाइट और साउंड के साथ चलता है तो उसको एक्सप्लोसिव कंबशन कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल है वाइट फॉस्फरस, एक्सप्लोसिव का एग्जाम्पल है पटाखे, क्रैकर्स। आगे आता है स्टूडेंट्स बी पार्ट, इसी का बी पार्ट। फर्स्ट पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, सेकंड फॉर्म है पॉइंट है सूट बनती है इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान। आगे आता है स्टूडेंट्स 29th का और पार्ट। 29th के और पार्ट में क्या बताया गया है, गैसियस फ्यूल्स बेस्ट होते हैं। तीन पॉइंट्स बताइए। किसी को भी पेट्रोल स्टेशन के पास बर्निंग मटेरियल ले जाने की इजाजत नहीं होती, क्यों? और ऊपर वाली सिचुएशन अगर हो जाए, पेट्रोल स्टेशन में अगर आग लग जाए तो इससे कैसे बचा जा सकता है? 29th के और क्वेश्चन का हमें आंसर देना है स्टूडेंट्स। तो पहले तो गैसियस फ्यूल्स के एडवांटेजेस, आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं, आसानी से स्टोर की जा सकती हैं, कैलोरीफिक वैल्यू होती हैं और यहाँ पे लो आएगा स्टूडेंट्स LOW, उनसे पोल्यूटिंग गैसेस कम निकलती हैं। आगे आता है स्टूडेंट्स पेट्रोल, क्योंकि काफ़ी हाईली इन्फ्लेमेबल होता है इसलिए पेट्रोल स्टेशन पे स्मोकिंग करना या कोई भी बर्निंग मटीरियल अलाउड नहीं होता, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो सैंड या फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से आग को बुझाना चाहिए, पानी से आग नहीं बुझानी चाहिए। रामा एक गांव में गया और उसने कुछ अनवांटेड प्लांट्स देखे जो खेतों में उगे हुए थे क्रॉप प्लांट्स के साथ। इन अनवांटेड प्लांट्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? वीड्स कहा जाता है। इनको रिमूव करने के दो प्रोसेसेस बताइए और इनको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है स्टूडेंट्स 30th क्वेश्चन में। तो मैनुअल रिमूवल यानी हाथ से इनको उखाड़ा जा सकता है, वीडिसाइड्स नाम के केमिकल्स डाले जा सकते हैं, या फिर फसलों को उगाने से पहले खेतों में हल चलाया जा सकता है, टिलिंग बिफोर सोइंग। आगे इनको उखाड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि वीड्स उस वाटर मिनरल्स और सनलाइट का इस्तेमाल करता है जो क्रॉप्स के लिए अवेलेबल करवाए हैं हमने, इसलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। आगे आता है स्टूडेंट्स 31st क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एडवांटेजेस बतानी है फूड हेल्थ एग्रीकल्चर क्लीनिंग और एनर्जी प्रोडक्शन में। हमें एक एक पॉइंट इसका सबका देना है। तो पहला फूड में, कर्ड मेकिंग में, बेकरी में और अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में काम आता है। दूसरा डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में काम में आता है और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशन करके। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं डी पॉइंट में। इथेनॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है शुगर की फर्मेंटेशन करके। ये पांचों पॉइंट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, पांच रोल्स स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। 31st का और पार्ट है कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती हैं। बैक्टीरियल डिजीजेज के दो एग्जांपल्स बताइए जो पानी से फैलती हैं, और वाटर बॉर्न डिजीज से बचने के दो तरीके भी हमें बताने हैं सी पार्ट में। जो डिजीज इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। पानी से फैलने वाली डिजीज के नाम है कोलेरा, टाइफाइड, अमीबिक डायसेंट्री, और बचने के उपाय हैं वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करो, डिसइन्फेक्टेड पानी को पियो, बॉइल्ड वाटर को पियो, पानी प्योर पानी को पियो, खराब पानी को मत पियो। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट डिस्कशन था। अगर आप वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।